नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस को। और इससे पहले का जो लेक्चर था गाइस, अभी तक आप लोगों ने नहीं विजिट किया है, चेक नहीं किया है, तो आप उसको जाइए, आई बटन में लिंक मैंने दे रखी है, उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आपने लास्ट लेक्चर देख रखा होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे शॉर्टकट मेथड्स हैं, जो भी सारे तरीके थे जैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने WKB के प्रॉब्लम्स को, सारे मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो जाइएगा, उसको विजिट कीजिएगा और चेक करके अच्छे से इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम और मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने नई नई वीडियोस को लाते रहें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम देखते हैं। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पोटेंशियल वी एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पर जो ए है गाइस, वो एक रियल कॉन्स्टेंट है, एंड हमें यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ क्वांटाइज नंबर है उनके लिए जो एनर्जी लेवल है गाइस, मतलब क्वांटाइज एनर्जी लेवल, वो एन के साथ क्या रिलेशन बना सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अगर सीधा सीधा बात करें तो ई एन और एन के बीच में रिलेशन पता करना है, ठीक है। ई एन हमारा क्वांटाइज एनर्जी लेवल हो गया और एन हमारा क्वांटाइजेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद ये रिलेशन कौन से हो सकते हैं गाइस, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गाइस अपना पोटेंशियल पता है, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम यहाँ पे गिवन है गाइस वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 6, ठीक है। मैंने जो फॉर्मूला बताया था गाइस, वी एक्स इज इक्वल टू, या फिर वी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, इज इक्वल टू तो होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट आ सकता है, सपोज कीजिए यहाँ पे ए आ सकता है, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए वैसे भी, ठीक है। तो वी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एक्स की पावर एम के। तो अगर आप इसको कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पर जो m की पावर है गाइस कितनी है, m के पावर 6 है, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू मिल चुकी है, जिससे कि हम अपना एनर्जी लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे en डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, n की पावर 2m अपॉन m प्लस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपनी जो वैल्यू है m की, यहाँ पे जो आपने फाइंड आउट करी है, इस पर पुट कर दीजिए, 6, 2 × 6 मतलब 12, और 6 + 2 मतलब 8, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा इस n की पावर 3/2, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल तरीके से गाइज, हमने अपना शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके देख लीजिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन क्लियर है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही करना है गाइज, अगर पोटेंशियल गिवन होगा तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, देन अपने इसमें जो एनर्जी लेवल है वहाँ पुट कर सकते हो, देन अपना वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है गाइज। चलिए गाइज, आगे चलते हैं। तो गाइज, हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम है। द एनर्जी लेवल फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास एम इन द पोटेंशियल दिस डिटरमाइंड इन WKB अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी लेवल है गाइस किसी भी पार्टिकल का जो मास m होल्ड कर रहा है, वो भी किसके थ्रू डिटरमाइन किया जा रहा है, WKB अप्रोक्सीमेशन के थ्रू, और वहाँ पर उसका पोटेंशियल गिवन है, ठीक है ना। ये हमारा एनर्जी लेवल है जो कि डिस्क्राइब किया जा रहा है WKB के अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू। यहाँ पे जो ए है गाइस, आप देख सकते हो ये जो ए और बी लिमिट्स हैं, ये दोनों के दोनों टर्निंग पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे जो एन होगा इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट हो रखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ई एन इज इक्वल टू दिस, ए बी सी डी में से कौन सा पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत ही थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करें गाइस हम वी एक्स की, तो वी एक्स इज इक्वल टू अल्फा मॉड एक्स, ये गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हमने फाइंड आउट करा था ना, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करें तो जो हमारा टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है ना, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होता है, ओके। तो इसीलिए गाइस ई इज इक्वल टू वी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा वी एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या हो सकता है वैसे, अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बी होगा ना, ठीक है ना। हो सकता है अगर एक ही पॉइंट की बात करें, यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे माइनस बी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना, आप लोगों को बता रखा था मैंने। तो वही चीज़ है गाइस, यहाँ पे हम x की जगह पे प्लस और माइनस भी दोनों रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मॉड अप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ से b की जो वैल्यू है गाइस, यहाँ से आ सकते हैं ना, रिप्लेस कर सकते हैं, b इज इक्वल टू e अपॉन अल्फा,
क्लियर है ना? ठीक है, उसके बाद हम एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्मूले के थ्रू जो हमारा दे रखा है वैसे अभी, ठीक है ना, हम इसी इक्वेशन को लेकर चल के स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन दे रखा था। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो ए और बी था, आपको पता है ना, ये वाला पॉइंट जो बीटा था, बीटा वन और बीटा टू दोनों जगह सेम टू सेम था ना, यहाँ पर भी पाई बाई फोर और यहाँ पर भी पाई बाई फोर था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं बीटा वन और बीटा टू की, यहाँ पे हम उसके पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे गाइस वो दोनों इक्वल होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस बी और यहाँ पे माइनस बी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे गाइस इसकी लिमिट जो दिख रही है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद जो हमारी वैल्यूज थी, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारी वी एक्स की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू क्या था, अल्फा मॉड एक्स था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी गाइज, और वहाँ से हम अपना ई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ई था, ठीक है ना, ई माइनस अल्फा एक्स। तो हम अगर यहाँ से ई कॉमन लेते हैं और इसको बाहर लेके चले जाते हैं गाइज, ये तो अंडर रूट में था ना, तो बाहर जाके क्या होगा, वो भी अंडर रूट ही निकलेगा, ठीक है ना। ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो अंदर की जो पावर थी गाइज ई की, वो बस एक ही थी ना, ठीक है ना। तो अंडर रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो वो e की पावर 1/2 ही आएगी, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको अंडर रूट 2 m e मैंने कर दिया है, ओके। और यहाँ पे कुछ और ध्यान देना है गाइस, यहाँ पे इसकी जो लिमिट्स थी सेम टू सेम लिमिट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और इसको 0 से b तक कर सकते हैं, ठीक है ना। होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा 2 0 b, जैसे कि आपके पास अगर लिमिट्स है माइनस बी से प्लस बी तक, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आता है 2 0 से लेके बी तक भी इसको कर सकते हो, सॉल्व करने पे यही सेम टू सेम रिजल्ट आता है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं, जिससे कि हमें 2 बार सॉल्व नहीं करना पड़ता है और एक हमारा आंसर भी करेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी इज इक्वल टू हमने इतना रख दिया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है इज इक्वल टू, हम इसको वाई सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा रिप्लेसमेंट के थ्रू इंटीग्रेशन करेंगे, जिससे कि सिंपल हो जाए हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने इसको y सपोज कर लिया। अब हम जो सपोज करते हैं ना गाइस, जो भी हमने इक्वल टू सपोज करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि हम dx को रिप्लेस कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन ई dx अपॉन dy हो जाएगा ना। अब y के रिस्पेक्ट में अगर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम dx इज इक्वल टू वैल्यू रिप्लेस करके ला सकते हैं माइनस ई अपॉन अल्फा dy, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे जो पोर्शन आ रहा है 2, ये हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 आया था हमारा, ठीक है, 2 अंडर 2 m e। एंड जो dx की वैल्यू थी माइनस ई बाई अल्फा, ठीक है, नहीं तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा। और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, y की पावर 1/2 एंड क्या dy, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पे, उसके इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 h क्रॉस y, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे जो हमारी लिमिट्स हैं वो भी चेंज होगी ना, अगर हम कोई भी चीज़ ऐसे लेट कर रहे हैं तो वहाँ पे लिमिट्स भी चेंज होगी। और स्टार्टिंग में क्या था, हमने बी इज इक्वल टू ई अपॉन अल्फा फाइंड आउट करा था ना, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पुट कर सकते हो गाइस, और एक बार हमारा बी इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो एक बार हमारा वाई इज इक्वल टू 0 आएगा और एक बार हमारा वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ की लिमिट्स क्या हो सकती हैं, 0 और 1, ठीक है ना। तो मतलब ये एक तरह से हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसके लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने माइनस साइन आ जाता है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट हमारा माइनस में आता ही, अगर हम पहले 0 पुट करते फिर 1 पुट करते तो रिजल्ट हमारा माइनस साइन के साथ आता। तो इसीलिए हम पहले माइनस कॉमन लेके इसके जो साइन उसको चेंज कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो इसलिए मैं माइनस कॉमन ले लिया और उसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वाई के पावर 3/2 3/2, ठीक है ना, 0 से 1 इसके लिमिट ई बाई अल्फा। इसको सॉल्व कर लो गाइज, आपके पास इसका आंसर जो है आप देख लो यहाँ पे सीधा सा। आप अगर इसको चाहो, देखो यहाँ पे जो 3/2 है, 2 हमारे ऊपर जा सकता है 4 कर लेगा, और 3 अल्फा तो यहाँ पे नीचे ही रहने दो, ठीक है ना, 4/3 अल्फा 2 m, ठीक है ना। इसकी पावर क्या है, इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे e की पावर 1 भी है ना, ठीक है ना। तो e की पावर 1/2 और e की पावर 1 कितना हो जाएगा, e की पावर 3/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से हमें गाइज एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सारे टर्म्स को आप इधर लेके चले आ सकते हो और अपने सारे टर्म्स को हम रीअरेंज करके अपनी वैल्यू को ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम फाइनल देख रहे हैं गाइज, ये सारे टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी इससे मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा इस वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको अभी तक ये दोनों प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करी हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में गाइज, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ nth स्टेट फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल गिवन है गाइज, एक हमारा इनफाइनाइट है जब x इज़ लेस देन या फिर इक्वल देन 0, और एक बार हमारा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर जब x इज़ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है गाइस, इसका एनर्जी लेवल फाइंड आउट करना है, एनर्जी स्टेट फाइंड आउट करना है जब हमें WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को अप्लाई करेंगे तो, ओके चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं।
तो गाइस हम इसको अपने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी फॉर्मूला आप सभी को मैंने बता रखा था, ठीक है। तो आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसके लिमिट्स क्या हो सकती है, टर्निंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। सपोज़ की जगह जी हमारा जीरो है, ठीक है ना, और इसको हम ए सपोज़ करें। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है गाइस, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल कुछ है, मतलब कुछ वैलिड वैल्यू है उसके पास, वो एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हम अब ए लेंगे, मतलब वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो इसीलिए गाइस हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, एंड हमारी लिमिट्स भी जीरो से ए तक हो जाएंगी, वन अपन एच क्रॉस एंड पी डी एक्स प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू होता है ना, ठीक है। तो पी की वैल्यू आप सभी को मैंने बोल रखा था, पी की वैल्यू कितनी होती है, टू एम ई माइनस वी, ठीक है ना, होता है आपको 2m तो लिखना ही है, और v की वैल्यू आपको पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है n पाई n प्लस वन पाई, n इज इक्वल टू जीरो वन टू एंड n इज इक्वल टू वन टू, ठीक है, क्लियर है। अब अगर बात करें टर्निंग पॉइंट की गए, तो टर्निंग पॉइंट पे, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू ए पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा टोटल एनर्जी है किसके इक्वल हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है ना। और वहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे क्या है, x इज इक्वल टू ए है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब x की जगह पे आप ए पुट कर सकते हैं और e इज इक्वल टू आपके पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बात तो अब अपने थ्योरम के हिसाब से करेंगे ना, कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे टर्म्स हमने बता रखे थे कि जब हमारे पास टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी अपने टोटल एनर्जी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम सारे टर्म्स को पुट कर दें, देखिए ई की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, ये तो मैंने पुट कर ही रखा था, ठीक है। तो आप सिंपल सा मतलब देखिए गाइस, यहाँ पे सारे टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आप देख ही सकते हो, हाफ तो ऐसे ही अंदर आएगा जैसे, तो यहाँ पे टू ऑलरेडी, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और एम ओमेगा स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आप उसको अंडर रूट के बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, इस एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स हैं गाइस, जीरो से ए तक, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट्स हमारी ये देखिए, ये कैसे होगा गाइस, हमारे पास जो पाई बाई फोर था, पाई बाई फोर था ना, ठीक है, अब हम इसको इस साइड लेके चले आएंगे, तो इधर क्या है, एन पाई है और इधर एन प्लस वन पाई, ठीक है। तो पाई बाई फोर जब एन पाई और एन प्लस वन पाई से सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास एन माइनस वन अपॉन फोर पाई एंड एन प्लस थ्री अपॉन फोर पाई आ जाएगा, क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब उसके बाद इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। अब यहाँ पे क्या लेट कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है तो dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं गाइस, तो आपकी लिमिट्स भी चेंज होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर लिमिट चेंज होती है तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले x इक्वल टू ए था, तो अगर हम इसमें x इक्वल टू ए पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो a से a कैंसिल, तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू वन, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई टू। और एक बार हमारे पास x इक्वल टू जीरो था, तो वहाँ पे अगर आप जीरो पुट करते हैं तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, मतलब हमारे पास लिमिट्स भी पता चल गई जीरो से लेके पाई बाई टू, ठीक है। अब सारे टर्म्स को सॉल्व कर लीजिएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना, हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू हमने पुट करी है, और ये सारा टर्म तो आपको समझ में आ ही रहा है। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, हो जाएगा, और अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, और ए हमारा ऑलरेडी था, मतलब ए इंटू ए ए स्क्वायर फिर से हो जाएगा वो चीज़, तो एम ओमेगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में क्या था गाइस, यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, ठीक है, तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा और कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर नहीं सकते, ठीक है, तो इसके लिए हम गाइस फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ठीक है ना, ये रिप्लेसमेंट है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ही पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको ये अपॉन टू दिख रहा है और ये हमारा वन प्लस कॉस टू थीटा दिख रहा है यहाँ पे, डी थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है, हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो गाइस, आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू, ठीक है ना, सिंपल है, बहुत बेसिक चीज़ है। उसके बाद हम अपने सारे टर्म्स को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, और हमारे पास जो भी वैल्यूज थी, सपोज़ कीजिए ई इज इक्वल टू, क्योंकि हमें एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम यहाँ से एनर्जी के टर्म्स को थोड़ा सा रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ई इज इक्वल टू टर्निंग पॉइंट्स पे क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे ई कैसे ला सकते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा, तो ओमेगा अपॉन टू ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद देखो गाइस, यहाँ पे अगर आप चाहो तो पाई बाई टू है,
ठीक है ना। तो इसको आप इधर लेके जा सकते हो सकता है, राइट हैंड साइड आप इसको लेके चले जाओगे तो ये देखो एन माइनस वन बाई फोर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम टू सेम प्रोसेस हो जाएगा, और उसके बाद हमने टू से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है ना। क्योंकि बाई टू था, देखो आप ध्यान से, यहाँ पे ये बाई टू है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा दोनों में ना, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे टर्म साथ में चलेंगे, तो इसीलिए ये टू एन माइनस वन बाई टू, ये एन था माइनस वन बाई फोर था, तो टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये वन बाई टू हो जाएगा, टू एन हो जाएगा, ठीक है। और एच क्रॉस कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी था, हमने इधर से रिप्लेस करा, इधर से देख लो आप लोग, ठीक है ना। सिंपल सा है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है वैसे भी, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज आप सभी को ये सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे, बहुत बेसिक चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ये सारे जो एच क्रॉस दिख रहा है ना, ये एच क्रॉस मैंने ऑलरेडी यहाँ भेज दिया था, इसलिए यहाँ पे लास्ट में जाके कन्फ्यूज़ मत हो जाना गाइस, ठीक है ना। ये मैंने बोला नहीं था, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने रिप्लेस कर दिए गए जो सारे टर्म्स हमने यहाँ पे देख लिए, और जो भी हमारी वैल्यूज थी आ चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कि कैसे हम अपने रिप्लेसमेंट के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू ऑलरेडी है तो उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे उसकी लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये ट्वेल्थ की प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ट्वेल्थ का अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है यूज़ करो, टर्निंग पॉइंट पर लगाओ, और अपना क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को फाइंड आउट करो यूजिंग WKB मेथड, ओके। तो आई होप गाइज आप सभी को ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। ये वीडियो अगर अच्छे समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट करो, और अच्छी अच्छी वीडियो जरूर आप लोगों के लिए लेके आया करेंगे, ओके। तो चलिए गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।